कुछ कहानियां आपके दिलों में दहशत और मस्तिष्क में खौफ पैदा कर देती हैं। माहौल इतना भयानक होता है कि आपकी रूह तक कांप जाती है। और मैं ऐसे ही कहानियों का सौदागर हूं। ये कहानी है मोनो की और मैं आपको डर बेचने आया हूं। नमस्कार देवियों और सज्जनों, माय डियर दमदार किंग्समैन, थोड़ा सा डरने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी है लिटिल नाइटमेयर 2। आपने अगर पहला पार्ट, कुछ कंफ्यूजन है, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, पार्ट 1 मैंने यहाँ बैटल किंग पे नहीं खेला है, वाइपर गेमिंग पे खेला, आप चेक कर सकते हो। और कई सीन ऐसे जहाँ पे हम चीखते चिल्लाते हमने उस मिशन को कंप्लीट किया था, बट बहुत अमेजिंग था। और ये पार्ट टू है और इसी कहानी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले पार्ट में कैरेक्टर कोई और था, 6, जो एक बहुत ही अजीब से टिन का बना हुआ एक अजीब सा वर्ल्ड था, उससे होके, मौज इसे बोलते हैं, उससे होके हम निकले थे। और काफ़ी भयानक वहाँ पे दैत्य जैसे कुछ लोग थे। एक मिनट जरा मैं यहाँ पे कंट्रोल्स कंफर्म कर लूँ क्योंकि मैं कंट्रोलर से इसको आगे बढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा इन्नी मुन्नी सा डाउट होगा, बट कोई बात नहीं, एक बार हाथ सेट करना है। पजल होते हैं, माहौल गंभीर होता है, थ्रिल होता है, भागना दौड़ना बचना बहुत कुछ है इसमें, अभी आगे मिलेगा। और अगर आप मोहब्बत से कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए आप क्या कब कर रहे हो, इसलिए अगर ये यहाँ पे ऐसा कोई काम होगा, ऐसे नहीं हो सकता ये, लेकिन चल के देखते हैं। जैसा इसका अगर एक मिनट इसका अगर ट्रेलर अगर आपने देखा हो तो आपको एक चीज़ इसमें आपने ध्यान दिया होगा, जो पहले पार्ट में कैरेक्टर थी, मैं बात कर रहा हूँ 6 की, वो यहाँ भी है इस वाले पार्ट में। आगे कहीं पे शायद दोनों साथ मिलेंगे, मोनो और 6, और फिर वो कहानी आगे बढ़ेगी। जैसे भी हो, ये ट्रैप है, ये भी ट्रैप हो सकता है शायद। ठीक है, इट्स फाइन। अभी तो आपको पहला एपिसोड वही है, थोड़ा सा क्लियर करें या कंट्रोल्स वगैरह को आगे जाने के, कम ऑन पुश इट, बाद ही क्लियर हो पाए कहानी में एक्चुअल में क्या है स्टार्टिंग में, देखते हैं अभी। ओके, लेट्स डू इट। अगर आपने वो प्ले किया होगा लिम्बो, थोड़ी बहुत उससे मिलता जुलता है, एक एक रहस्यमय दुनिया में आप फंस जाते हो, फिर वहाँ पे अजीब से दैत्य और ऐसे लोगों का सामना होता है, आप बचते बचाते भागते आगे बढ़ते हो, पजल्स बहुत सारे होते हैं, खतरनाक बहुत होते हैं, उसे सॉल्व करना होता है। और भी मरने कोई शौक नहीं है पहले ही पार्ट में। कंट्रोलर से आगे बढ़ने का रीजन यही था कि इसमें ना बहुत कंट्रोल ज्यादा है नहीं, प्लस आपको माउस का यूज ज्यादा करना नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा इसको कंट्रोलर से ही आगे लेके चलते हैं, दैट्स व्हाई। Okay.
ये गलती मेरी नहीं थी, यहाँ पे थोड़ा सा, बोला ना कंट्रोलर में थोड़ा सा दिक्कत होता है हाँ सेट करने स्टार्टिंग में, बट एक बार हो गया तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टार्टिंग में पंगा है थोड़ा, बट कोई बात नहीं। मैंने बोला ना कि पहली बार में जब ट्रेनिंग पीरियड है, अब गलती करो, दबा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार जब खतरनाक मंजर स्टार्ट हो जाता है तब आपको गलती करने को चांस नहीं मिलेगा, इसलिए ओके। ओ बेबी, मैं एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, इतना ही करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो इसको आप रात में वॉच कर रहा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको अलग आनंद आएगा देखने में, तो ट्राई करना ही करने का। ट्रैप है यहाँ पे, वेट, दिख तो रही है सामने रस्सी, पता नहीं क्यों। शायद पहले भी कहीं ट्रैप होगा तभी शूज मिले थे, लेकिन शायद या फिर सिर्फ उसके लिए होगा, बताने के लिए कि हाँ आगे हो सकता है, आप सावधान रहें। यहाँ पे यही तो है ना, आपको आगे बहुत क्लियर दिखाई देगा सब कुछ, लेकिन अचानक से माहौल बदलता है, फिर आप भागना दौड़ना चिल्लाना शुरू करते हो। मुझे यहाँ ट्रैप्स नजर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ट्रैप्स है। वही लगा मैं गेहूं पीटते हुए आगे बढ़ रहा, कोई मतलब नहीं, लेकिन है यार यहाँ पे ट्रैप्स हैं। ये तो गया ना, खैर कोई बात नहीं। कदम कदम पे खतरा है, ठीक है काम करते हैं, इसको लेके आगे बढ़ते हैं ताकि ये चीटिंग है, गलत बात है। और है यहाँ पे वो याद है एविल विदिन 2 वाला पूरा सीन बना हुआ है, वो हुआ आउटलास्ट 2 हमने खेला था, हमने बहुत हॉरर गेम खेले हैं वहां पे, अब पुरानी बात याद है, ताजा हो रही है दोबारा फिर से। चलो कूल, एक और लेडी,
बट तुम फेंक नहीं पाओगे ना इसको शायद। एक वहां पे आगे पता नहीं, पकड़ डाले बस। अभी तो जिन्होंने पार्ट वन देखा नहीं है उनको पता नहीं यहाँ पे दैत्य कैसे होते हैं, जब सामना होगा तब देखना आप, वो तो मंजर अलग ही होता है, बहुत ही घिचपिच वाले होते हैं वो। चलो अभी आगे आएंगे तो सामना होगा तब खुद ही क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पे कोई ट्रैप या सब सब कुछ यहाँ पे ना हो वरना। एक छोटी सी बात और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से बड़े ही मोहब्बत से, मैं थोड़ा लेट खेल रहा हूँ इसको, ठीक है? तो वो मे बी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वॉच भी कर लिया होगा तो स्पॉइल भी करना चाहेंगे, प्लीज़ मत करना। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस चक्कर में ब्लॉक हो गए हैं, मैं बड़ा बुरा लगता है ऐसा करना, तो मत करना प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग नया नया देखते हैं और उसके बाद, क्योंकि अब तक आप इसको स्पॉइल करोगे मैं शायद कंप्लीट भी कर चुका होऊंगा, लेकिन बाकी लोग जो वॉच कर रहे हैं उनको दिक्कत हो जाती है और मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकता किसी भी कीमत पे, सो मत करना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए एक मिनट, ना ना लिमिट, शायद अब यहां से असली मंजर स्टार्ट होगा। कोई बात नहीं, सॉरी व्हाट्स इन द बॉक्स। कई बार यहाँ पे आगे उस जाने के लिए कीज वगैरह होती है, मुझे थोड़ा बहुत याद है, तो हम उसके बिना आगे बढ़ नहीं सकते, बस मैं इसलिए एक बार सर्च करने चला आया यहाँ पे ताकि ऐसा कुछ ना हो कि आगे बढ़ूं और यहाँ से कुछ छोड़ के चले जाएं। चलिए पॉज मेनू, लेट मी चेक ना। वाव कूल, यहाँ पे वही मैं सोचा थोड़ा सा हैट का ऑप्शन था, थोड़ा मैं कंफ्यूज था हैट होता क्या है। पिछले में तो ये येलो कोट पहनी हुई थी ना हमारी मेन कैरेक्टर। ओके लेट्स गो, थ्रू आउट द गेम बहुत ऐसे हैट्स मिलने वाले हैं, अब ध्यान रखना होगा, या तो जिंदगी बचा लो या तो हैट ले लो, कई बार ऐसा मौका आएगा हम छोड़ेंगे, मुझे पता है, मुझे पता है मैं छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि कमेंट्री कर सकता ध्यान नहीं रहता, पगलू आजम सब लोग मिलके लगते हैं चढ़ने, ये छूट गया वो छूट गया, नहीं ध्यान रहता ना बोलते बोलते मिस हो जाती है चीजें, लेकिन नहीं बदतमीजी करने लगते हैं। म्यूजिक बहुत प्यारी आ रही, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? यहाँ खतरा उतना ही ज्यादा होगा, अभी अगर आए तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। वो बेबी शायद यही है सिक्स, पिछले के पार्टी कर जो यहाँ पे फंसी हुई, अभी इसको यही शायद निकालना हो, लेकिन कैसे? ये रहा, अरे यार ये टूट गया,
ये शायद ये काम कर जाए। मजा तो अब आएगा ना यार, पिछले पार्ट में सिर्फ एक कैरेक्टर के साथ उसके साथ पजल सॉल्व करना भागना था, अभी यहाँ पे दो दो लोग होंगे, एक बहुत बहुत अमेजिंग होगा। ये डर रही है वहां पे। डरे भी क्यों नहीं, हाँ हरकतें ऐसी हैं। कई दिनों से फंसी हुई, देख रहे हो आप पीछे मार्क वॉल पे। नहीं वो भाग रही ऊपर जा रही है वहां पे। यहां पे एक से भले दो वाला केस है, एक कहता ना एक और एक मिलके 11। बड़ी मस्त मूवी थी वैसे वो, गोविंदा और संजय दत्त की। एनीवे तो यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे अकेले नहीं हो पाएगा, साथ मिलके काम करना होगा। जी रही ओके। आपको याद है रेजिडेंट एविल एक सीन जहां स्टार्टिंग में बैठ के वो लोग वो कर रहे, उस बच्चे की वो देखो आके वो कर रहे होते हैं, वो लोग खाना वाना खा रहे होते हैं, वैसा ही सीन लग रहा है देखिए। पता नहीं लग रहा मरे हुए हैं, शायद ये मरे हुए हैं। ऊप्स हाँ करो करो, अब समझ में आएगा, मैं बोल रहा साथ चलते हैं। Now what? Not your enemy, man. देखो अब होगा ना मिलके काम। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा, एक सेकंड चलो। आवाज आई थी अभी। एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे हमें आगे जाना इस तरफ ही रहा वो, लेकिन लॉक है यहाँ पे, शायद उसी की चाबी मिलेगी ऊपर यहाँ जाने के बाद। जिस तरह आवाज आई थी बहुत संभल के, वरना यहाँ पे पंगा होगा। मैंने कहा था ना एक से भले दो। कुछ नहीं, आगे चलते आगे। वो रही चाबी, ऊपर वहां लटक रही है, बट कोई है नहीं देखने वाला। इसके हाथ में कोई हैंडल है जो शायद वहां जाके यूज हो जाएगा, बट आगे भी कुछ है शायद, आई डोंट नो। ओह शिट,
यहाँ पे ऐसे ही पिलपिले से आएगी आगे डेथ, जो भी अभी आवाज आई थी ना सामने होगा तो खुद देखना। चलिए फिलहाल यहां से निकले। मुझे कोई आइडिया नहीं है पार्ट के बाद कि यहाँ पे ऊंचाई से गिरने के बाद बचेंगे या नहीं। एक मिनट। ओके बढ़िया। मुझे लगा था शायद कोई मिलेगा वहां पर जिस तरह से माहौल बना हुआ था, बट कोई ये दिख रहे पच्चीन यहां पर इतने बड़े से भयानक से ऐसा लगता है किसी दानव के। खैर कैन यू हेल्प, थैंक यू। अरे कोई है अंदर, पिछले वाले पार्ट में ऐसा ही था, हम जाके कुछ लोग को हक करते थे और वो फिर वो शायद उसको मुक्ति मिलती थी ऐसा कुछ। एनीवे चबाने या कुछ ऐसे कुछ करने की आवाज आ रही है, कुछ कुछ सिलाई कर रहा है ऐसी आवाज आ रही है ऐसा लग रहा है। Nope. आजा पुश करना होगा। Come on! Okay, okay, कोई बात नहीं हो जाएगा। नहीं ये सिलाई करने की नहीं, शायद पता नहीं। उधेड़ने की वो है यार, ये खाल निकाल रहा है वो। डू समथिंग। पुश बॉय पुश। ओह नो, ओह नो 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 रन 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 बॉय। शिट। ओके ट्राई अगेन। दुरानी लेके पूरा धाए 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 एक लाइफ ले ली इसने। आओ चलते रहते हैं साथ में, रुकने का मतलब नहीं बनता यहां पे कोई।
मैंने नहीं उड़ाया था उसे, वो अपने आप उड़ा उसकी बात आराम से। ये तो खास फुस खत्म हो जा रही है। आगे बस वो पेड़ के पास खो दिख रही, वहीं जा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है यहाँ से भाग। एक मिनट, वैसे वो मुड़ता फिर भागते हैं। ओके चलो वरना मार देगा वो। बाहर निकले और दूसरी साइड इंतजार कर रहा हूँ बाहर निकल के। नहीं, आई थिंक सेफ है शायद। क्या हो गया, जल्दी आओ। नहीं, आई थिंक सेफ है अभी। चलो एक मिनट, नाउ व्हाट? इतना लंबा जंप मैं ट्राई कर सकता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि। ओके, लेट्स गो। ओप्स, माय बैड, सॉरी। कुछ और है यहाँ पे, फिर ध्यान नहीं दिया मैंने। एक मिनट, लेट मी चेक। अरे यार, ये सामने नीचे वो ब्रिज, वो जैसा कुछ। एक मिनट, ये होगा फिर। इसलिए मैंने बोला ध्यान से, ध्यान दे के काम कर रहा है, ऐसे नहीं होगा। चलो 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 चलो। बट अब कुछ है यहाँ पे वो। अच्छा, वो है टोपी है शायद वहां पे। लेट मी चेक। पिछले वाले पार्ट में तो वो पानी का पजल सॉल्व करने के बाद, मुझे याद है अभी, वो बहुत टाइम लगा था पानी से होके, फिर किस तरह से उसको पानी के लेवल मेंटेन करना, फिर नाव की तरह बनाना। आई मीन जस्ट वाओ। चलो इस बार तो हैट येलो है, पिछले वाले में पूरा। एक मिनट, अच्छा लगता नहीं है जैसे मैन ऑफ मैदान की तरह कैमरा एंगल जिस तरह चेंज होता है। आपने देखा होगा सीरीज, वो वाइपर पे कंप्लीट किया था हमने, मैन ऑफ मैदान, अमेजिंग था वो भी। कोई है क्या? वही है शायद, वही है, भागा नहीं है वो। रुक जा पगलू, ए मार देगा वो, गोली मार देगा, दुराली लेके घूम रहा है वो। मारा
भाग भी गया चुटकू। शिट 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 रन 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 चलो मरना नहीं प्लीज। बढ़िया रन 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 रुकना नहीं है यहां पे। संभल के संभल के संभल के संभल के सब तरीके ये नहीं, ये नहीं, यहां पे यहां जा सकते। नहीं 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 छुपो, हटो हटो वहां से मक्खियों। उसको देखो चुड़ैल, भाई ससुरा बहुत तेज है। एक मिनट रुक जाओ, मुझे चलता है। Alright, wait, wait now. आराम से। अब चलो 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 चलो। सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है ना वहां पे। वेट वेट, आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। तुरंत देखेगा आवाज होगी इसे बहुत तेज। अरे वो मर जाएगी अगर मैं बहुत देर तक पानी रखा तो। वो सांसें फूल जा रही है इस यार। धक तरह की वेट 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 वेट, अभी रुक जाओ रुक जाओ। एक एक बार एक झटका और सह सकता है ये। चलो अब रन रन रन, अब बच नहीं पाएंगे यहां पे अगर भागा नहीं तो। वो ऊपर ऊपर ऊपर, गन 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 गन। जबरदस्ती हुई ना मर्द वाली बात, बहुत बढ़िया। आई रब ना अपना मिला उधर मैंने वही सदर बस ये नहीं तो।
अमेजिंग, बहुत बढ़िया। आई थिंक ये चैप्टर शायद फिनिश हो गया यहाँ पे, यहाँ से तब निकल के बाहर ना। ओके लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। सो आज का एपिसोड ही फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए, उम्मीद है आपने रात में देखा होगा और मज़े करो। बस धीरे धीरे इसके एपिसोड्स भी आएंगे, आपके कमेंट करने से नहीं आएंगे, मैं पहले क्लियर कर दूँ, परेशान नहीं होना। नेक्स्ट वीडियोस जो भी आएंगे उसमें बार बार जाके बोलना कि इसके पार्ट लाओ, उसे इससे मेरी वीडियोस नहीं आती हैं, उसको बस एक इंसान डिसाइड करता है, वो मैं हूँ। तो प्लीज़ आप परेशान नहीं होना, वो अपने वक्त पे ही आएगी, भले वो दो दिन बाद तीन दिन बाद जितने टाइम बाद भी लिखी होगी अपने आप आएगी वो। तो बस मज़े से इंजॉय करो जो भी वीडियोज़ आ रही हैं, मिलता आपसे बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिए, अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।